आप में से कुछ व्यूवर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी टीनिया वर्सिकुलर डिजीज़ के बारे में, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे कारण होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखें, इस बीमारी को हर इलाके में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे इलाके में इसको सीप की बीमारी बोलते हैं और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जो कि एक फंगस होता है जिसको मिलीजिया फरफर बोलते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं ताकि इसको डायग्नोस किया जा सके, तो देखें, जिन इंसान का कलर फेयर होता है उनकी स्किन के ऊपर डार्क कलर के स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है, और जिन इंसान का कलर डार्क होता है उनकी स्किन के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट आ जाते हैं। देखने में बिल्कुल ये विटिलगो या लिकोडर्मा जैसा लगता है, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट को आसानी से पहचान लेते हैं। किसी किसी केस में इसमें माइल्ड ईचिंग भी होती है। अगर आपके केस में ईचिंग हो रही है तो कन्फर्म ये आपको टीनिया वर्सिकुलर का प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों की। तो देखें, जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था फंगल इन्फेक्शन पे आज से 1.5 साल पहले, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है जिसको इपिडर्मिस बोलते हैं, यहाँ पर हर वक्त बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते, हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचा पाते। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, कारण कुछ भी हो सकता है, आपका लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, आपकी लापरवाही भी हो सकती है, अगर आप लंबे समय से कोई स्टेरॉयड क्रीम या खाने में स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या आप किसी बीमारी में इन्वॉल्व हैं उसकी वजह से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, या कोई और बीमारी में इन्वॉल्व होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तब ये फंगस ग्रो कर जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर फंगस को अपना पसंदीदा इन्वायरमेंट बॉडी के ऊपर मिल जाता है कहीं पर, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है बॉडी में, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान को लगातार पसीना आता रहता है गर्मी के मौसम में, तो वहाँ पर फंगस ग्रो होने लगता है। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है या ये टीनिया वर्सिकुलर ग्रो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, क्या इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो देखें, ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसे घर पर कर सकते हैं और विद इन 2 मंथ आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मेरे फंगल इन्फेक्शन के वीडियो देख चुके हैं, आप उसके फीडबैक भी चेक कर चुके हैं। तो देखें, आप 4 पीस उन्नाप के ले लेंगे। उन्नाप क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में सवाल करते हैं, तो उन्नाप बेरी को बोलते हैं, बेर को बोलते हैं, ये आप ड्राई फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो 4 पीस ये ले लेंगे, 4 पीस आप नीम की पत्तियाँ ले लेंगे, ठीक है, और 1 गिलोय की टहनी लेंगे। एक टहनी का साइज़ इतना होना चाहिए, ठीक है, नहीं तकरीबन 1 हाथ की बराबर, ये 1 हथेली की बराबर, और 1 पुदीने की टहनी ले लेंगे। इन चारों को आप 1 गिलास पानी में पका लेंगे, ठीक है, और पकाते पकाते जब आपका पानी आधा रह जाता है तो इसको ठंडा करने रख देंगे, छान लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्ट कड़वा हो सकता है तो उसके लिए आप हल्का चीनी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिश्री करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और इसको आप दिन में 2 टाइम लेंगे 2 महीने तक, ठीक है। तो ये करने से आपका फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो काढ़ा है ये 2 तरीके से काम करता है। पहला, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, इसके अंदर जो गिलोय और उन्नाब और पुदीना, ये तीनों चीज़ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, और इसमें नीम और उन्नाब, ये 2 चीज़ हैं, ये स्किन के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हील करने में हेल्प करती हैं, खासकर फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है। इस काढ़े के साथ साथ आप कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी ट्राई कर सकते हैं ताकि आपका टीनिया वर्सिकुलर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए चला जाए और बहुत जल्दी चला जाए। उसके लिए आपको मार्केट के अंदर ल्यूलिकेनाजोल लोशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस लोशन का यूज़ आपको इस तरीके से करना है कि नहाने से तकरीबन 15 मिनट पहले आप उसको इस एरिया पर लगा लें जहाँ पर आपको वो स्पॉट हैं, और लगाने के 15 मिनट तक आप वेट करें, उसके बाद आप उसको वॉश कर लें यानी नहा लें, ठीक है। ऐसा हफ्ते में आप 3 बार करें तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि ल्यूलिकेनाजोल मार्केट के अंदर काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि आप जेनिक में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जेनिक में ये आपको क्योरवेल की जेनिक जो है आपको इस पर MRP तो 290 है, यानी 15 ml शायद 15 ml है ये, हाँ 15 ml है ये, तो MRP तो सर 290 है, लेकिन ये आपको जेनिक में 140 या 140 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप एथिकल रहते हैं, कोई ब्रांड लेते हैं, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, इतने में आप 2 पीस ले सकते हैं, ठीक है, तो ये ले लीजिएगा। और मैं तो हर एक दवा के बारे में यही मशवरा देता हूँ कि ज़्यादा पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती दवा में, आप जेनिक ट्राई करेंगे। और जेनिक के मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जेनिक दवाएं आपको कैसे बहुत आसानी से मिल सकती हैं, उसमें मैंने 3 तरीके आपको बताए थे।
तो कोई सा भी तरीका आप ट्राई कर सकते हैं और आप ये अप्लाई करिएगा और इससे जो है आपका इंशाल्लाह टीनिया वर्सिकुला का प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।